एक्सप्रेस न्यूज। प्रतापगढ़ जिले के लालगंज क्षेत्र के अनिरुद्धपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में नवनिर्मित गेट ढह गया। इस निर्माणाधीन गेट के गिरने से कक्षा 2 के एक छात्र की मौत हो गई, वहीं उसके साथ उसके दोस्त भी घायल हो गया। इस मामले से बच्चों के प्रति अध्यापकों की सजगता पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की लगातार घटती संख्या से सरकार चिंतित है। अगर यही हालात रहे तो बच्चों की संख्या में इजाफा कैसे होगा। कुछ ही दिनों पहले प्रतापगढ़ के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन सवाल तो यह है कि सिर्फ व्यवस्था से काम चलेगा या जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। कई मामले इस बात की पुष्टि करते हैं कि सरकार द्वारा बच्चों को मिल रही कई सुविधाएं उन तक पहुंच भी नहीं पाती। जिस बच्चे की मौत हुई है उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आखिर उस मासूम की मौत का असल जिम्मेदार कौन है? प्रतापगढ़ से रोहित जायसवाल की एक रिपोर्ट।